वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए क्रिप्टो की बात हम करेंगे। अब मोदी 3.0 की बारी आ चुकी है और ऐसे में क्रिप्टो को लेकर वैसे ही मामला पशुपेश में हमेशा फंसा रहता था। अब क्रिप्टो को आगे इस देश में एक लीगल टोकन बनाने को लेकर किस तरह से कवायद आगे बढ़ेगी या ये पूरा मामला जो है अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा तमाम तरह की क्रिप्टो टोकन्स भी अब अवेलेबल हो गई हैं। अब ऐसे में कहाँ लोग ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, कहाँ पर आपका जोखिम ज़्यादा है, इस बात को समझेंगे। सुमित गुप्ता को फाउंडर कॉइन DCX और साथ ही अनुज गुप्ता क्रिप्टो एक्सपर्ट हमारे साथ जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। तो चलिए एक एक करके इस सवाल का जवाब तो दोनों से ही मैं चाहूँगी। सुमित, किस तरह से आपको लगता है कि अब क्रिप्टो की कहानी हमारे देश में आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी? कविता जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि क्रिप्टो पॉलिसी अभी एक नेशनल सब्जेक्ट नहीं, इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। और भारत में भी काफ़ी इस पे काम चल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि रेगुलेट कैसे किया जाए। बहुत सारी अवेयरनेस ऑलरेडी हो चुकी है, बट जैसे हम देख रहे हैं कि पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस आए, टैक्सेशन के अराउंड आया है ऑलरेडी, PMLA के अंदर क्रिप्टो को लाके उसके अराउंड कंप्लाइंसेस स्ट्रॉन्ग किए हैं। तो ये धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं रेगुलेशन की तरफ। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, जैसे कि न्यू दिल्ली G20 में भी बोला गया है कि सारे देश को साथ में मिलकर रेगुलेट करना पड़ेगा, कंसेंसस होना पड़ेगा सारे रेगुलेशंस में, और उस पर काम चल रहा है। और आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है 2025-2026 ये तो ऐसे ईयर रहेंगे जहां पे काफी डेवलपमेंट होगा ग्लोबली, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया रेगुलेशंस के लिए। तो काफी एक्साइटिंग समय है। और ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि बहुत आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टेक्नोलॉजी भी बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है। तो इसके अराउंड जो रेगुलेशंस आएंगे वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आएंगे। जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी आज से 2 या 3 दशक पहले आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में भी काफी चीजें हुई, फिर रेगुलेशन आया, आज ये कितना बड़ा मार्केट है भारत का, राइट। सिमिलरली क्रिप्टो मार्केट में भी धीरे धीरे इसके अराउंड रेगुलेशन आएंगे और काफी काम इस पर चल रहा है, सरकार भी काफी काम कर रही है, भारत में भी इनफैक्ट इंटरनेशनली भी काफी इसके अराउंड रेगुलेशंस में काम चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इंडिया रेगुलेशंस लेके आएगा आने वाले समय में, बोल भी चुका है गवर्नमेंट ने, और हम लोग इसको सेक्टर को काफी एक मेन स्ट्रीम सेक्टर की तरफ आते हुए देखेंगे कुछ आने वाले सालों में। लेकिन लेकिन सुमित, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। हमने देखा G20 में किस तरह से एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर बहुत तरजीह दी गई, बहुत ज़रूरत उसको समझा गया है। लेकिन अनुज, अब क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है, देखिए हमें कोलिशन सरकार के साथ यहाँ पर डील कर रहे हैं और क्रिप्टो पॉलिसी मेरे ख्याल से उनकी प्राथमिकता में फ़िलहाल कहीं पर भी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। गवर्नर साहब तो कई बार बोल चुके हैं कि फ़िलहाल हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती नहीं है। इस नए समीकरण को देखते हुए अनुज, कितनी जटिलताएं हैं जो आपको समझ में आती हुई दिखाई दे रही है और भारत में इसका भविष्य थोड़ा सा और लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसिडरिंग ये नया जो इलेक्शन मैंडेट है उसको ध्यान में रखते हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू कविता जी फॉर हैविंग मी हियर। मैं कहूंगा कि मुश्किल तो है, बट यस, जैसे सुमित जी ने कहा कि अभी हमें जरूरत तो है। अभी मैं कहूँ कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के वहां पे जो कि हमारे यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, तो यूएस भी क्रिप्टो, डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्रिप्टो डोनेशन लेनी स्टार्ट करी है, तो इंडिया इसको अडॉप्ट तो करेगा ही करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट अकॉर्डिंग टू मी कि इसमें कोई ना कोई क्रिप्टो रेगुलेशन तो आनी कंपल्सरी है ही, क्योंकि बहुत सारे हमारे HNI इन्वेस्टर्स भी हैं जो और रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, सबके सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे पास फेवरेबल क्रिप्टो रेगुलेशन नहीं है, या फिर मैं कहूँ जो क्रिप्टो रेगुलेशंस हैं भी, जैसे टैक्सेशंस हो गई हैं, वो क्लैरिटी नहीं है, या फिर उसे एट पार विद द नॉर्मल जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं शेयर्स वगैरह के, उसमें उसके साथ नहीं रखा हुआ है। जैसे सुमित जी ने कहा कि हमें ग्लोबल एक हमें कंसेंसस लेना पड़ेगा कि हम कैसे उसको कर सकते हैं कि हम उसको एक एट पार लेकर आए, बट यस उसमें होगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, बट यस इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा। सुमित, एक बहुत ही हाइपोथेटिकल केस आपसे पूछ रही हूँ। मान लेते नहीं आते हैं रेगुलेशंस, तो हम सुमित बाकी देशों के मुकाबले कितने पिछड़ जाएंगे?
काफी पिछड़ जाएंगे। और इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कविता जी, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ ऑलरेडी मैदान पे, एंड काफी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स इस बात से अवगत हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ब्लॉकचेन में, वेब थ्री में इनोवेशन कर रही हैं। वो लोग इंडिया को अपना अनफॉर्चुनेट रियलिटी, इंडिया को अपना एक बेस नहीं मानते हैं, जहां पे उनको अगर क्रिप्टो में बिजनेस करना है वो बाकी जो कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूएई है, जहां पे बहुत प्रोग्रेसिव क्रिप्टो रेगुलेशंस आ चुके हैं। तो इससे काफी टैलेंट लॉस हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12% ग्लोबल वेब थ्री टैलेंट वर्कफोर्स इंडिया में है। ये 12% लोग इंडिया के एक बहुत एक बड़ा साधन बन सकते हैं जीडीपी ग्रोथ का। जैसे आईटी के टाइम पे इंडिया ने उस पर इन्वेस्ट किया और आज देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है। सिमिलरली जो वेब थ्री एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, और इसको कोई मना नहीं करता है, एवरीवन एग्रीज, हर कोई मानता है कि वेब थ्री एक इमर्जिंग सेक्टर है और ब्लॉकचेन काफी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो इंडिया का ऑलरेडी टैलेंट पूल है वो सारा का सारा देश को छोड़ के जा सकता है। काफी लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें भारत नंबर वन है ग्रास रूट अडॉप्शन में, उसमें नंबर वन की जगह पीछे खिसक सकता है। इसीलिए मैं तो काफी आ, आ, और काफी टाइम बोला भी है कि इंडिया को बहुत सख्त जरूरत है एक रेगुलेशन निकालने की, जिससे कस्टमर्स भी प्रोटेक्टेड रहे, रेगुलेशंस भी इंश्योर रहे और इंडिया अपना जो एज है वो पीछे ना छोड़े। जो आपने बात कही कि बिकॉज ऑफ इलेक्शंस पीछे हो गया, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। मुझे लगता है इस पे काम चल रहा है, कोएलिशन गवर्नमेंट आने से, बिकॉज ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, इस पे काम चलता रहेगा। देर आर मेनी ट्रैक्स दैट आर गोइंग ऑन, बस वो सब्जेक्ट है ऐसा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत बहुत जरूरी है कि इंडिया इसको रेगुलेट करे, इंडिया इसको प्रमोट करे, इंडिया इसके अराउंड सेफगार्ड्स बनाए, गवर्नमेंट बनाए, ताकि जो आम इंसान है उनके उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी प्रोटेक्ट रहे और इंडिया एक ऐसा सेक्टर जो कि अगले आने वाले 10-15 सालों में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है, उसमें इंडिया पीछे ना रहे। बिकॉज इंटरनेट जब नया आया था, आज गूगल, फेसबुक, अमेजोन सारी कंपनीज यूएस से हैं। अगर इंडिया ने उस टाइम पे इंटरनेट अडॉप्ट किया होता तो आज कुछ कंपनीज उसमें से इंडिया से भी होती है। अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हर कंट्रीज सब बराबर लेवल पे हैं और इंडिया को इसमें आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। ऑफ कोर्स हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये रिस्क सही सॉल्व नहीं किए जा सकते, बहुत कंट्रीज ने किए भी हैं। इंडिया को भी बहुत बहुत जरूरत है, तभी इंडिया, और ये एक रिपोर्ट है नैसकॉम की, कि $1.1 ट्रिलियन आने वाले 2030 तक वेब थ्री सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है इंडिया के जीडीपी में, विच इज अ लार्ज नंबर। और ये बाकी देश भी इसी चक्कर में, इसीलिए इस पर काफी फोकस कर रहे हैं, इंडिया को भी आगे बढ़ के रेगुलेट करके और उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। जब तक ऐसा होता है, जब तक उस तरह के फैसले मिलते हैं जिससे क्रिप्टो में पैसे लगाने वाले को खुशी हो, तब तक ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो की कहानी थम जाएगी। क्रिप्टो की कहानी तो आगे बढ़ ही रही है। 10,000 से ज़्यादा टोकन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं और जिनको हम देखते हैं। अधिकतर पैसा लोग मेरे ख्याल से बिटकॉइन में ही लगाते हैं या इस तरह इसके जैसे थोड़ी स्थाई जो टोकन है उस पर लगाते हैं। अब सवाल अनुज आपसे यहाँ पर ये होगा कि अब अगर इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है तब भी कुछ पैसा इन स्थाई टोकन्स पे ही क्यों जा रहा है, क्यों बाकी तरह के टोकन्स पर लोगों का भरोसा नहीं है या उनकी अवेलेबिलिटी इशू है, ज़रा समझाएं इस पूरे मामले को। जैसे कविता जी, हमारे पास, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे स्टॉक मार्केट में होता है एक तो लार्ज कैप, एक हो गए पेनी स्टॉक्स, तो क्रिप्टो मार्केट में एक तो हमारे स्थाई क्रिप्टोस तो हो गई, जैसे आपने बोला बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ये दो बहुत ज्यादा स्टेबल्स होते हैं। बट उसके अलावा हमारे पेनी स्टॉक्स बहुत होते हैं, जैसे हमने बहुत सुना होगा डॉज कॉइन हो गया, हमारा आजकल बहुत सारे पेपी और ये बहुत मतलब डॉग मिनी कॉइन्स बहुत सारे आ गए हैं जिनके ऊपर कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, यह किसी भी तरीके से बन जाता है। अब उसको रेगुलेट करने के लिए, जैसे जब भी वो इंडियन एक्सचेंजेस पे कहीं लिस्ट भी होते हैं तो पूरी एक चेकलिस्ट होती है, तो एक तो उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो पाती है बिकॉज उसमें आपकी वॉलिटिलिटी और अवेलेबिलिटी लिक्विडिटी बहुत कम होती है, ताकि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सबके सब कोई फंस के भी पैसा लॉस ना करें। तो एक तो मैं कहूँ कि एक हमारे पास जितने भी हमारे पेनी स्टॉक्स हैं या हमारे मीमी कॉइन्स हैं उसमें हमें पैसा नहीं लगाने चाहिए, बिकॉज वो कुछ भी एकदम 100 से एकदम से 0 भी हो सकते हैं। बट यस, लाइक जितने भी हमारे स्टेबलाइज हैं, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, जितने भी हमारे टॉप 10 हैं, वो फिर भी कंपेरेटिव टू द मीमी कॉइन्स दे आर लाइक स्टिल स्टेबलाइज, कि वो हमारे स्थायी रूप से हमारे ठीक रहते हैं। सुमित, आप ही के पास मैं आना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह के क्रिप्टो में हम आपके अनुभव के तौर पर बताइएगा सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ पर लगाए जा रहे हैं।
देखिए कविता जी, ये तो काफी ओपन नंबर है, और जैसे कि एक स्पेशल चीज है क्रिप्टो के बारे में, सारा चीज है ब्लॉकचेन पे होता है, तो सारा डेटा पब्लिकली कोई भी देख सकता है ब्लॉकचेन पे, काफी ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये दिखता है कि बिटकॉइन में सबसे ज्यादा लोग पैसे लगाते हैं, और ये भी बताना चाहता हूँ क्यों। बिकॉज बिटकॉइन अगर आप देखेंगे, जितने भी एसेट्स हैं राइट दुनिया में, उसमें से बिटकॉइन 9th नंबर पे आता है, 9th रैंक पे आता है। उससे एक जो बड़ा है वो है सिल्वर, और सिल्वर बिटकॉइन, सिल्वर का मार्केट क्या 1.6 ट्रिलियन डॉलर है, बिटकॉइन का अराउंड 1.35 ट्रिलियन डॉलर है। 1.35 ट्रिलियन डॉलर बिटकॉइन मतलब ये काफी स्टेब्लिश एसेट क्लास बन चुकी है, जो कि फेसबुक, जो कि मेटा कंपनी है, उससे भी बड़ा बन चुका है बिटकॉइन ऑलरेडी पिछले 15 सालों के अंदर ही। तो ये काफी अमोंग क्रिप्टो के बीच में ये काफी एक ब्लू चिप और काफी स्टेबल, लीस्ट रिस्क वाला एसेट क्लास माना जाता है, और इसीलिए जो निवेशक होते हैं सबसे ज्यादा बिटकॉइन में पैसा लगाना पसंद करते हैं। और बिटकॉइन उसको डिजिटल गोल्ड का दर्जा भी दिया गया है, जैसे गोल्ड लोग गोल्ड में लोग जैसे ही जियो पॉलिटिकल अस्थिरता होती है गोल्ड में पैसा लगाते हैं, सिमिलरली बिटकॉइन में भी पैसा लगाते हैं। यूएस में काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिटकॉइन में एक्सपोजर लेते हैं, ले रहे हैं और लेते रहेंगे, और काफी सक्सेसफुल ETF रहा है जो भी रिसेंटली यूएस में हुआ है। मुझे ये लगता है कि अभी भी बिटकॉइन चल रहा है, और आने वाले सालों में भी बिटकॉइन एक ऐसा एसेट क्लास है, नॉट करेंसी बट एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर, और रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका एक चहेता एसेट, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स जो कि टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं वो है। और इसीलिए कॉइन D6 प्लेटफॉर्म पे भी जो कस्टमर सबसे पहले आता है, उसको जो इन्वेस्ट करना पड़ता है, सबसे पहले वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। एक बार बिटकॉइन में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद इथेरियम है जो कि नंबर 2 पे आता है, विच इज लाइक आप जैसे गोल्ड, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, इथेरियम को आप सिल्वर की तरह देख सकते हैं। इथेरियम में लोग पैसा डालते हैं, और फिर धीरे 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 करते जो नीचे ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं क्रिप्टो की दुनिया में, इसको ऑल्टरनेट कॉइन्स, उसमें फिर पैसा लगाते हैं। तो ऑर्डर भी मार्केट कैप के अनुसार होता है, लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। कुछ लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हर हफ्ते या हर महीने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट डाला, और उस तरीके से वो क्रिप्टो के बिटकॉइन में जो वॉलिटिलिटी है, क्रिप्टो में जो वॉलिटिलिटी है उसको मिटिगेट करते हैं। तो हर किसी ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई रखी है, बट ज्यादातर जो इन्वेस्ट होता है वो इस्टेब्लिश्ड क्रिप्टो एसेट जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम में सबसे ज्यादा देखा गया है। चलिए, तो बिटकॉइन, इथेरियम, यहाँ पर इस तरह के टोकन्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेशकों का रुझान है, और उसके अलावा अधिकतर यहाँ पर देखा गया है कि क्रिप्टो टोकन्स में स्पेकुलेशन भी होता है। बहरहाल, क्रिप्टो बाज़ार को लेकर तमाम जानकारियाँ दर्शकों को देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, धन्यवाद। तो इस चर्चा को तो हमने यहाँ पर समाप्त कर लिया है, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब हम देंगे, और साथ ही आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे। तो अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और हम क्योंकि यूट्यूब पर भी लाइव हैं तो अपने सवाल यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, शुरुआत करते हैं लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग के सेशन की।